नमस्कार, मैं हूँ संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था, जहां पर 17 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया था। सामूहिक बलात्कार था, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। आत्मग्लानि वश 17 वर्षीय नाबालिग के द्वारा जहर खाकर जान दे दी थी। उसकी जान नहीं बचाई जा सकी थी। पहले उसे दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, जहाँ से उसे जबलपुर रेफर किया था, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस के द्वारा आरोपी कमल यादव और नरेंद्र लोधी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके द्वारा सामूहिक बलात्कार किया था। घटना के संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक डीआर तैनिवार के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी मौजूद रहे। विगत दिनों थाना तेजगढ़ में चौकी मलिया क्षेत्र में एक ढोली गांव है, वहाँ पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, गैंगरेप हुआ था। एक गंभीर घटना थी और इस घटना से व्यथित होकर के अपने घर पे जाकर के उसने जहरीला पदार्थ पी लिया था, जो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। जैसे पुलिस को मर्डर डायरी प्राप्त हुई, जाँच के उपरांत इन दो आरोपियों के विरुद्ध, एक कमल यादव और एक नरेंद्र लोधी जो उसी गाँव के लड़के थे, उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इन दोनों को पुलिस के द्वारा जो दस्तावेज किया गया है उनकी गिरफ्तार की गई है। सागर रेंज के आईजी के द्वारा दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में अधिकारियों की एक बैठक ली गई थी और दिशा निर्देश दिए थे कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद आज आरोपियों को गिरफ्तार एक रात में ही कर लिया गया। आगे देखने लायक होगा कितने और आरोपी गिरफ्तार होते हैं। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहे।